है चित्त की वृत्ति का निरोध। और ज्ञान मार्ग वालों का होता है चित्त की वृत्ति को अज्ञान मिटाने वाली करने के लिए आत्मज्ञान का चिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति करने से ब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र सर्वरूप में है, ऐसा ज्ञान होने से उनको यह अनुभव होता है कि एकाग्रता और विक्षेप चित्त में नहीं होता, वृत्तियों में होता है। और चित्त जिससे चेतना पा रहा है वो मैं ज्यों कहती हूँ। एकाग्रता आई तो भी ठीक है, विक्षेप आया तो भी उसका साक्षी। अंदर में कोई चाह आई तो उसको पूरी करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उसको मिटाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन चाह को कोई महत्व ही नहीं, चाह पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा, और नहीं भी हुई तो क्या हो जाएगा। मैं तो सदा अमर आत्मा हूँ, चैतन्य। ऐसी जिसकी सूझबूझ है वो पूर्ण पुरुष हो जाता है। भक्त को एकाग्रता नहीं, बार बार भगवत भाव करना होता है। जिज्ञासु को ब्रह्माकार वृत्ति करनी होती है। संसारी को जो चीज पानी है उस चीज के लिए वस्तु व्यक्ति कल कारखाने के लिए चिंतन करना पड़ता है, वो चीज जुटानी होती है। जिसको जो पाना होता है उसमें अपने चित्त को बार बार लगाना। जिसको भरपूर है पाना पवाने से पार, वो उस भरपूर स्वभाव में रहकर सहज कर्म करता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। कोई सुख से दुख से लाभ से हानि से मान से अपमान से उसको सत्य बुद्धि नहीं है। अगर शरीर आज चला जाए तो आज और कल्प पर्यंत रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया के लोग वाह वाह करें तो क्या और निंदा करें तो क्या। लेकिन व्यवहार काल में तो श्री कृष्ण ने स्वांतिक मणि का आरोप लगा था, तो उस आरोप को दूर करने के लिए, क्योंकि समाज को ले चलना है साथ में, अगर निंदा होती रहेगी तो कौन बात मानेगा सुनेगा। स्वांतिक मणि का आरोप श्री कृष्ण ने हटा दिया, लेकिन मेरा आरोप हट गया, मैं निर्दोष साबित हो गया, उस बात की खुशी कृष्ण को विशेष नहीं होती। और आरोप लग गया ये रंज नहीं होता। खिद्यो अपि न खिद्य थे, रुष्टो अपि न रुष्ट थे।
क्रुद्ध होता हुआ, खिन्न होता हुआ, रूठता और राजी होता हुआ दिखता है, फिर भी अपने आप को जानता है कि चित्त की दशा है, ये संसार की दशा है। मेरा एक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर आत्मा जो कहती हूँ, तो जिसको ब्रह्म ज्ञान पाना है वो बार बार ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करता है, जिसको सिद्धियां शक्तियां पानी है उसको एकाग्रता करनी होती है, जिसको परमात्मा में शांति पानी है वो बार बार मैं शांत स्वरूप आत्मा में शांत हो रहा हूँ, ओम शांति, जिसको भगवान के प्रति भावना है तो बार बार इष्ट देव का चिंतन करना होता है। एक बात खास समझ लेना, ध्यान में और एकाग्रता में फर्क होता है। एकाग्रता तो कईयों की होती रहती है, पढ़ने में एकाग्रता होती है, साइंस वालों को विषय खोजने में एकाग्रता करनी पड़ती है, कोई बात सुनते तभी भी एकाग्रता होके सुनते, मन चाही चीज मिलती है तभी भी कुछ क्षण के लिए मन एकाग्र हो जाता है तभी मजा आता है, प्रिय व्यक्ति मिलता है तभी भी कुछ एकाग्रता आती है, क्रिकेट देखते तभी भी एकाग्रता आती है तभी आनंद आता है। तो ये एकाग्रता एक बात है और ध्यान दूसरी बात। एकाग्रता चित्त की वृत्तियों की दशा है, क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध एकाग्र, ये चित्त की दशा है। लेकिन ध्यान आपको जो पाना है उसके भाव में आपको तदाकार होना है, उसको ध्यान कर। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, जिसमें आप जो करना है जैसा बनना है उसमें चित्त को बार बार लगाना, ये धारणा हुई, लग गया तो ध्यान हो गया। जो लोग दुखी होते हैं और दुख का ही चिंतन करते हैं, मेरा पति का ऐसा हो गया, मेरा पति मेरे को नहीं चाहता, मेरे पति का बड़ा तकलीफ देता है, मेरा पति मेरे को ऐसा करता है, मैं बहुत दुखी हूँ, बाबा जी मेरा दुख मिटा दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरे को पति का ऐसा है ऐसा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, हम बहुत दुखी हूँ, उसका दुख बढ़ जाता है, बीमारी है मैं बहुत दुखी हूँ, कर्जा है मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी ही दुखी दुखी, दुख का चिंतन करने से दुख बढ़ जाएगा, उसको भारी बना देते हैं अपन। दुख आए तो एकाग्र होकर धीर गंभीर होकर उसका उपाय खोजकर दुख को उखाड़ फेंकना अलग बात है, लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो मर गया रे, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो ये धारणा दुख की धारणा से दुख मजबूत होता है, चिंता की धारणा से चिंता मजबूत होती है, बीती हुई बातों का स्मरण करके बीते हुए का बार बार धारणा करने से शोक पैदा होता है, भविष्य की कल्पना की धारणा करने से भय पैदा होता है, वर्तमान में हल्की धारणा करने से हल्का जीवन होता है, ऊंची धारणा करने से ऊंचा जीवन होता है, और धारणा के साक्षी को जान लिया तो न ऊंचा न नीचा, अपने आप में मग्न होने वाला ब्रह्मवेता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता, सुखद आ गया, सुखद स्थिति आ गई तो भी बोले आ गई, जाने वाला है, दुखद आया तो भी बोले ठीक है, ये तो बीतने वाला है संसार का पछड़ा, उसको देखने वाला साक्षी आत्मा मेरा चैतन्य जो कहते हो, उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, काशी नरेश
काशी नरेश भौजू, काशी नरेश भौजू कबीर की सेवा करता है, महल बनवाता है, वीर सिंह बघेला कबीर जी को आमंत्रित करता, कबीर नहीं जाते और खूब प्रयत्न करके कबीर जी को बुलवा लेता है और कबीर जी ने राजा के मुंह पे थप्पड़ मार दी, हाथ की नहीं शब्दों की। बोले महाराज कैसा लगा? सब लोग सराहना कर रहे थे, कबीर के मुंह से सराहना सुननी थी, लेकिन कबीर ने तो थप्पड़ ही मार दी उनके अहंकार को। बोले इसमें दो नुक्स हैं महाराज, मेरे महल में दो नुक्स, याकुंद रत्न हीरे जड़वाकर में स्नानागार बनाया और दीवालों में क्या क्या नक्शी काम किया है, और महाराज सब लोग देखते ही सराहना करने से अगाते नहीं, फिर भी नुक्स है तो जल्दी बताओ। वीर सिंह तुम नहीं निकाल सकते हो। नहीं नहीं महाराज मैं अभी करता हूं बताओ। बोले ये सदा ऐसा नहीं रहेगा, और बनाने वाले के साथ नहीं जाएगा, वीर सिंह को जरा बुरा लगा, लगे तो लगे कबीर अपनी मस्ती में, लेकिन सोचते बीजते वीर सिंह बघेला कबीर जी का सत्संगी हो गया, और आखिर में तो कबीर जी की रसोई बनाने की सेवा, झाड़ू बुहारे की सेवा करता है, तभी भी कबीर जी के चित्त की स्थिति वही की। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, ऐसा ब्राह्मी स्थिति श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा योगी सतत संतुष्ट रहता है, भोगी सतत संतुष्ट नहीं रहेगा, कैसी भी स्थिति हो गई भोग की पद की संतोष नहीं रहेगा। वो आत्मा के साथ योग हो गया, अपने ब्रह्म स्वभाव के साथ योग हो गया, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। वो फिर आत्मा परमात्मा से विभक्त नहीं होता, वो मैं हो जाता हूं, मैं वो हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाय आदा कर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अब उसको आंख बंद करके ध्यान नहीं करना पड़ता है, खुली आंख में हंस हंस फेंकूं, सुंदर रूप निहारू साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चले। बंद आंख करके भी अपने में आराम पाएगा, खुली आंख करके भी अपने स्वरूप को देखेगा, उसे अविकम्प योग की प्राप्ति हो जाती है। धारणा करके समाधि करके जो आत्मा में विश्रांति पाते उन्हें योग का आनंद तो आता है, लेकिन समाधि टूटी तो आनंद चला गया। लेकिन वो ब्रह्मवेता ब्रह्माकार वृत्ति वाले समाधि में रहे तो समाधि में, जब खुले तो आंख तभी भी ब्रह्म परमात्मा की लीला, माया की गहराई में दृश्य की गहराई में सत चित आनंद का अनुभव। इसको बोलते ज्ञान समाधि। तीसरी होती है भाव समाधि। खिसकोली ने फरियाद कर दी, हनुमान जी ने हमको सेवा से धकेल दिया है और हमारे पूछ पर अंगूठा रखा है, हमें पीड़ा दी। राम जी ने पूछा तुम ही बताओ हनुमान को क्या सजा दे। बोले आप हनुमान के पैर पूछ पर अपना पैर दबाइए तो पता चले पूछ वालों को कैसा होता है पीड़ा। हनुमान जी को कहा कि हनुमान बैठ जाओ। राम जी ने अपने पैर से हनुमान की पूंछ दबाई,
हनुमान जी को पता था कि प्रभु के चरण मुझे स्पर्श सुख मिला, भाव में आ गए, खुशी में आ गए। अब उठे तो किस गिलहरी को बोला खिसकोली को कि मैं तेरा बार बार पूंछ दबाऊ, तू बार बार फरियाद कर, मुझे बार बार चरण स्पर्श मिले। तो अपने सद्भाव से जो आदमी सुखाकार भाव में आ जाता है, इसे भाव समाधि कहते। अपना प्रिय मिलता तो भी अनजाने में भाव हो जाता। इष्ट देव के प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपनी मनपसंद वस्तु के प्रति भाव में आ जाते तो मन में समाधान का सुख मिलता है, इसे भाव समाधि कहते। रामकृष्ण देव मां मां करके भाव समाधि में आ जाते। कन्हैया वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरु को देखकर भाव समाधि के सुख। गुरु गोविंद सिंह का शिष्य कन्हैया, दुख का चिंतन और फरियादात्मक चिंतन शक्ति का ह्रास करता है। विधेयात्मक चिंतन और सुख का चिंतन सुख और शक्ति की सुरक्षा करता है। और चिंतन को जो जानता है उसमें निश्चिंत होने की ज्यादा क्षण नहीं मिलती, लेकिन निश्चिंत होने की रीत जान के कुछ सेकंड निश्चिंत होते जाए तो बहुत ऊंची दशा। ओम ओम ओम, आप जैसा पाना चाहते जीवन साधन मय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे स्नानागार में गए स्नान करके आ गए साफ सुथरे, ऐसे ही सुबह थोड़ा पूजा पाठ कर लिया चलो पवित्र हो गए फिर जो आए सो करो। नहीं, व्यवहार में भी आपका जैसा उद्देश्य है लक्ष्य है उसका चिंतन बनाए रखो। भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत प्रसन्न, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद। जैसे लोभी दुकानदार का चिंतन होता है कमाई पर, भूखे का चिंतन होता है भोजन पर, प्यासे का चिंतन पानी पे, ऐसे भगवत सुख का चिंतन वाला भगवत भाव में घुमा फिरा के मन को भगवत भाव में ले आए। अपना आत्मा ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, संसार के दुख सुख सपना है। ओम ओम नारायण 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 पढ़ो। हंसते खेलते अपने चिंतन का उद्देश्य का ध्यान धरना, हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको सुख दुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी हो जाते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वे बारंबार जन्म पावेंगे। हाँ, जो जरा जरा बात में दुखी हो जाते हैं, जरा जरा बात में आकर्षित हो जाते, जरा जरा बात में मेरे को तो चाय बिना नहीं चलेगा, मेरे को तो इसके बिना नहीं चलेगा, मेरे को तो ऐसे में, वो समझो तबाह हो रहे हैं, अपने को खपा रहे हैं। परिस्थितियां तो बदलती रहेगी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश है। अपना प्रयत्न करो, बाद में नहीं हो तो ठीक है, होता रहता चलता है। प्रेमपुरी महाराज कार में बैठ के जा रहे थे, कहीं पानी भरा था, सामने की कार तेजी से गई तो उसके कीचड़ के छींटे गाड़ी में लगे सेठ को और महाराज को। सेठ गुस्से में हो गया, महाराज ने कहा, अरे भाई काय को दुखी होते, मान लो ठाकुर जी का मंदिर का चरणामृत तो रोज लेते हो पूजा के बाद, अभी यहाँ बारिश वाला चरणामृत ठाकुर जी का लग गया तो कपड़ों को, इसमें दुखी होने की क्या बात है। कैसी है जगजीत प्रज्ञा, जगत की परिस्थितियों को
आहा, निर्दुख बनाने वाली प्रज्ञा, जगजीत प्रज्ञा। गलती तो उसने की, ड्राइवर ने तेज चला के गया। दूसरी गलती थी कि अपने ड्राइवर ने कांच खुले रखे थे। अब लग गया तो फिर क्या करे, हाय रे हाय करे। चलो ठाकुर जी का चरणामृत पूजा करके तो लेते हैं। अब ये सड़क वाला चरणामृत आ गया, लग गया तो लग गया, मुंह पे होठ पे पहुंच लिया। अरे वाह, ये सुख बनाने की रीत है। ज्ञानी तो उससे भी ऊंचे होते। ठीक ठीक बैठी भी सपना पहुंच लिया, न चरणामृत न अच्छा न बुरा, वो तो तत्ववेता। अब सेठ तत्ववेता नहीं थे तो महाराज ने ठाकुर जी का चरणामृत कह दिया। चाहे इंद्र बन जाए, चाहे पहाड़ की तलेटी के गहराई में चला जाए, जब तक अपने चित्त को भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, भगवत सुख से नहीं भरोगे, तब तक जर्मनी जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, अपने ज्ञान देवता परमेश्वर में आने के बिना कहीं सुख नहीं टिकता। हे राम जी, 14 लोकों में मैं विचरण किया, बड़े बड़े संतों से मिला और शास्त्र विचारे, न अतल में सुख है, न तलातल में सुख है, न रसातल में सुख है, न पाताल में सुख है, न देवता बनने में सुख है, न गंधर्व बनने में सुख है, न स्त्री बनने में सुख है, न पुरुष बनने में सुख है, न कीट पतंग की योनि में सुख है, न गंधर्व और यक्ष की योनि में सुख है। सुख एक जगह है जहाँ संत का मन ठहरता है, संत का मन ठहरता अपने आत्म स्वभाव में, परमेश्वर भाव में। बस जो सुख नित्य प्रकाश विभू, वो नित्य प्रकाशक है, जानने वाला है। नाम रूप आधार मति न लखे, मति उसको नहीं देखती है, लेकिन मति को वो देखता है, सो तो है। बुद्धि उस सुख स्वरूप को नहीं देख सकती, मन वहां से लौट के आता है, लेकिन मन और बुद्धि को वो सुख स्वरूप आत्मदेव देखता है। इसका अभ्यास दीर्घ काल संसार में दुखी सुखी होने की आदत है, इसीलिए उसमें सम रहने का अभ्यास भी दीर्घ काल करना पड़ेगा। जैसे गंदी आदत एक आंख नहीं छूटती, किसी बहादुर की छूटती नहीं, तो फिर धीरे धीरे पान मसाले 10 खाते थे, अभी 8 कर दिए, 6 कर दिए, 5 कर दिए, 2 कर दिए, अब मार दिया झटका। पेग 2 प्याले हम पीते थे, अब 1 कर दिया, आधी कर दी, चौथा मार दिया झटका, अथवा दोनों छोड़ दी, जैसे भी हो जाए, झटका मार के निर्दुख हो जाओ, अथवा निर्दुख होने का अभ्यास करके निर्दुख हो जाओ। और जब भी दुख सताए, श्वास लिया नाक से, मुंह से छोड़ा 2-4 बार, और ओम आनंदानंदान, दुखाकार वृत्ति को भगवान कृष्ण को, राम को, सांत्वना शिव को, गुरु को देखते हुए दुखाकार वृत्ति को मिटाने की अटकल सीख लो। अगर दुख के समय 1 मिनट भी आप निर्दुख हुए तो 10 मिनट हो सकते हो। अब दुखी होकर कोई निर्णय करोगे तो दुख मिटाने में सफल नहीं होगे। दुख को पहले अपने चित्त से उखाड़ो और फिर दुख के कारण को भी भगाओ। दुख का कारण क्या है? हम जो चाहते वो नहीं होता है तो दुख होता है। जो पाना चाहते वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। जो हटाना चाहते नहीं हटता है तो दुख होता है। वही तो है। तो पाने और हटाने के चक्कर में ही दुख सुख छुपा है। महत्व उसको जितना दोगे उतना ज्यादा होगा, महत्व उसको कम दोगे उतना कम होगा, और महत्व नहीं दिया तो उसकी कोई बात नहीं, ठीक है, गुजर जाएगा, बीत जाएगा। है तो तत्ववेताओं का काम है, बाकी का महत्व कम देते जाओ और हटाने का प्रयत्न करो। बस
विवल मत हो जाओ। फालतू बातें, ज्यादा बातें सुनो नहीं, ज्यादा बातें बोलो नहीं। अपना लक्ष्य बनाओ, ईश्वर प्राप्ति करनी, सुख दुख में सम रहना। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन को जानने वाले आत्मस्वरूप में शांत। जो जरा जरा बात में आकर्षित हो जाते, आप छोटे थे ना, चवन्नी के चॉकलेट में राजी हो जाते और चवन्नी के खिलौने छीन लो तो आप दुखी होते थे, वही आप। लेकिन अभी तो 2-5 रुपये की चीज ले लो और दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सारा संसार तुम्हारे लिए जैसे बचपन चवन्नी की चीज है, अभी भी ज्ञानी के लिए सारा संसार चवन्नी की चीजों जैसा है। छोटे और बड़े आदमी की पहचान क्या? जितना छोटा होगा उतना ही थोड़ी थोड़ी बात में दुखी सुखी होगा, और जितना अंदर से बड़ा होगा उतना ही थोड़ी थोड़ी नहीं बड़ी बड़ी बातों में भी हिलेगा कम। जितना कम हिलता है हृदय, दुख सुख की असर कम होती, उतना वो बड़ा आदमी। कुछ नकट्टे होते लगता है कि इसको नहीं होती, लेकिन अंदर होता है, फिर मौके से वैर लेते हैं। उनकी बात नहीं है, नकट्टों की बात नहीं है। लेकिन जो भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, गुरु प्रसाद से चित्त को बनाए रखते हैं, झंझट प्रूफ, दुख सुख प्रूफ, ये बहुत बड़े हो जाते। All is dream, सब सपना है। जर्मनी ड्रीम, जर्मनी में देखा वो भी सपना है, इंडिया में देखते वो भी सपना है, यूरोप में देखेंगे वो भी सपना है। जिससे दिखता है वो सोल इज आवर, वो परमात्मा अपना है, ओम। उसका अभ्यास दृढ़, श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतेन। उस परम पुरुष दिव्य परमात्मा में लगो, उसी का अनुचिंतन करो। तो एकाग्रता में और अनुचिंतन में फर्क है। एकाग्रता तो किसी की भी हो जाएगी, और एकाग्रता से सब दुख नहीं मिटते, तपस्या से सब दुख नहीं मिटते। जैसे हिरण्यकश्यपु कितना एकाग्र हुआ, उतना तो हम आप नहीं हो सकते, लेकिन एकाग्रता हुआ, तपस्या हुई और बड़ा राजा बनो और मेरी चले। तो बाद में जुलम करके अपनी चला चला के वामन अवतार के द्वारा हाथ मरा, नरसिंह अवतार के द्वारा। रावण ने कितनी एकाग्रता और तपस्या थी। कई लोग एकाग्रता का अभ्यास करते, कई लोगों में तपस्या का गुण होता है, लेकिन वो जब भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से एकाग्रता हो, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य तप का हो। ऐसे भोजन तो सब लोग करते हैं, लेकिन भोजन से भगवत भाव बने तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तामसी भोजन नहीं खाओगे, नाहक का नहीं खाओगे। उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो तो, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आदमी में सद्गुणों की खान ले आएगा, और संसार के सुख की प्राप्ति की के उद्देश्य से आदमी में दुर्गुण आने लगते। आप कितने आने देता है उसकी मर्जी की बात है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। तो बाहर से सुखी होने में दुख भय और रोग के लेकिन
अंतर के सुख से आदमी तृप्त हो जाता है। सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतार्यति। वह तृप्त हो जाता है, अमृतमय हो जाता है, वह तरता है, दूसरों को तारता है। जैसे मीरा भक्ति भाव से तृप्त हो गई और भक्ति की पराकाष्ठा भी ज्ञान में ले आएगी। सब ठाकुर जी है, सब प्रभु की लीला। ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्तिमय बना देगी। प्रारंभ में अलग अलग दिखते हैं लेकिन ऊपर पहुंचने पे सब एक हो जाता है। कुल मिलाकर नाक से, जीभ से, कान से, काम विकार से मजा लेने को कम करते करते हटाते हुए अंदर का आनंद मिल जाए, तृप्त हो जाए, बस। हाय परफ्यूम तू नाक के द्वारा, नाली के द्वारा सुख दे। हाय वाह वाही तू कान के द्वारा सुख दे। हाय चटोरापन जीभ के द्वारा सुख दे। तो बाहर से अंदर सुख भरना बंधन और अंदर के सुख में तृप्त हो जाना मुक्ति, आत्म सुख में। तो हम भगवान के रास्ते ठीक से जा रहे हैं कि नहीं, उसकी क्या पहचान? हमारी साधना अथवा हमारा जीवन ठीक है कि नहीं, उसकी क्या पहचान? पहले जो संसार की चीजों में मजा आता था वो अगर आ रहा है या ज्यादा आ रहा है तो समझो आप गलत रास्ते जा रहे। और पहले जो संसार की चीज़ों से मज़ा आता था अब उससे कम मज़ा आता है अथवा उपरांत हो रही तो आप समझोगे ईश्वर के रास्ते ठीक जा रहे। विषय विकार फीके लग रहे हैं तो आप ठीक जा रहे, और विषय विकारों में मज़ा आ रहा है पहले जैसा अथवा ज़्यादा तो समझो पतन हो रहा है। तुलसीदास ने कहा, जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। भगवत सुख में, भगवत ध्यान में, भगवत प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म में रुचि होगी और विषय विलास से वैराग होगा तो समझो आप जगे हुए हो, आप ठीक रास्ते चल रहे हो। ओम शांति शांति। फिर 11:30 बजे संध्या का कार्यक्रम में आ जाना, रह जाओ।
दक्षिणायन से अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत शरीर में अमरता की ओर यात्रा करने में एक सुंदर प्रयोग है प्राणायाम के साथ वाला। प्राणायाम तो सभी करते ही हो, पहले बताया हुआ भी है, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए फिर से बोलता हूँ। अगर प्राणायाम करते समय जालंधर बंद करके प्राणायाम किया जाए तो रक्तचाप कभी हो नहीं सकता, हृदय की गति में गड़बड़ नहीं हो सकती। जालंधर बंद मतलब प्राणायाम करते समय कंठ को दबाव देना, इतना सा। अगर उड़ियान बंद करके प्राणायाम किया जाए तो जीवन में तनाव नहीं आ सकता है। आरती घूम रही है तो आरती करना पड़ेगा, तनाव नहीं आ सकता। चिंता और मानसिक रोग तो नहीं होते हैं, दैहिक रोगों का भी ह्रास हो जाता है। उड़ियान बंद मतलब श्वास बाहर छोड़ के पेट दबा के रख फिर प्राणायाम करना, इससे मंदाग्नि दूर हो जाती है, पेट की खराबियां दूर हो जाती है। श्वास बाहर रोक दिया और पेट को अंदर सुखोड़ के रखो। जालंधर बंद से हृदय की गति ठीक रहेगी सदा, रक्तचाप नहीं होगा, रक्त नाड़ियों में अच्छी तरह से प्रसारित होगा। तनाव, चिंता और मानसिक रोग और दैहिक रोगों को दूर रखने के लिए उड़ियान बंद। पेट को अंदर रखने को उड़ियान बंद बोलते हैं। और नाभि से नीचे का हिस्सा शौच जाने की इंद्री को सकोड़ लेना, उसको मूल बंद बोलते हैं। प्राणायाम के समय मूल बंद करके जो प्राणायाम करते हैं उनके विकारों में विजय पाने की शक्ति का संचार होता है। और गुरु मंत्र से प्राणायाम करें मतलब प्राणायाम करते समय योनि को सकोड़ के रखें और फिर गुरु मंत्र का जप करें और जो अपने में कमी है उसको मैं निकाल के ही छोड़ूंगा, भगवत नाम है मेरे पास, ईश्वर के नाम का बड़ा संबल है मेरे साथ। नारायण नारायण अच्छा कि नदी में आ गए, अगर उधर पंडाल में होते तो आधे बेचारे सामने बैठते, आधे तो सड़कों पे बैठते। एकाग्रता का धन तो होना चाहिए, लेकिन एकाग्रता के साथ साथ ध्यान की अमृत धारा का भी प्रसाद होना चाहिए। एकाग्रता एक बात है, लेकिन उसमें भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत रस ये महत्व की बात है। जैसे अपन प्रयोग कराते ने, ओम ओम आनंद ओम हरि ओम प्रभु जी ओम, तो भगवान के नामों का, भगवान के स्वभावों का, भगवान के आनंद का, भगवान का स्वभाव है सत्य चित आनंद। सत्य तो उसका बुद्धिपूर्वक समझ लिया जाता है, चेतनता भी भगवान की दिखती है जहाँ जहाँ प्राणी में क्रिया है, विचार है। क्रिया तो मशीनों में भी होती है लेकिन विचार मशीनों में नहीं होता, कीड़ी विचार से काम करती है, मशीन केवल क्रिया करती है। सुनाई पड़ता है सबको ठीक से? मशीन केवल क्रिया करती है लेकिन जो जीव है वो विचार से क्रिया करते हैं। जैसे गाय सूंघ के चारा खाएगी, कीड़ी के पास चेतना है अर्थात ज्ञान है, लेकिन भगवान का तीसरा स्वभाव आनंद, वो भगवान का आनंद स्वभाव का अनुभव करके
संसार के सुखों की दास्ता छोड़कर आत्मानंद लेना ये मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। उस परम पुरुष का सुख पाना उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ। जो कोशिश परब्रह्म परमात्मा पुरुष के लिए हो उसे पुरुषार्थ कहते। लेकिन शब्दों के साथ तो अन्याय होता चला आया है। प्रकृति की वस्तु के लिए कोशिश करने वालों को भी बोलते हमने पुरुषार्थ किया, हम मकान बना लिया, पुरुषार्थ करा, देश विदेश गए, पुरुषार्थ किया, ये पाया ये पाया। ये पुरुषार्थ नहीं, ये प्रकृति अर्थ है। 8 मास के प्रकृति के शरीर के अर्थ किया तुमने, अपने आत्मा परमात्मा के लिए तुमने अपने लिए नहीं किया। जैसे कोई गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल गैरेज बना ले तो कोई बहादुर ही नहीं है, खुद भूखा मर जाए और गाड़ी के लिए गैरेज बनाए और सुविधाएं कर दे, ऐसे ही खुद तो सच्चे आनंद से, सच्चे ज्ञान से, सच्चे जीवन से वंचित है आज का मानव। और शरीर के लिए मकान बना लेता है, गहने गांठे बना लेता है, क्या क्या बना लेता है, और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, प्रकृति अर्थ कर लेता है। प्रकृति अर्थ कितना भी करेगा उसको संतुष्ट जीवन नहीं मिलेगा। धन कमा के उब जाएगा, भोग भोग के उब जाएगा, थक जाएगा, खिन्न हो जाएगा, लेकिन आत्मसंतोष नहीं होगा। बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में विश्रांति पाए बिना जीवात्मा की तपन नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती। नारद जी ने कहा संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के त्रिविध ताप में तपने वाले मनुष्यों के लिए परमात्मा योग परम औषध है। तो ध्यान एकाग्रता एक बात है और ध्यान योग दूसरी बात है। ध्यान तो सब लोग कर लेंगे, शत्रु का भी ध्यान खूब होता है, लवर लवरियों का भी एक दूसरे में ध्यान खूब हो जाता है, चलते फिरते खुली आंख एकाग्रता भी हो जाती है विषय भोगों में अथवा प्रिय पदार्थों में। लेकिन भगवत ध्यान, इष्ट देव का ध्यान हो अथवा आत्मदेव का ध्यान हो अथवा आत्मदेव का विचार हो, इसी से सारे दुखों की निवृत्ति होगी। यही पुरुषार्थ है, यही मनुष्य जीवन का फल है और यही बुद्धि की महत्ता है मनुष्य जीवन। जप करने से पाप दूर होते और इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का दिन में कई बार आवृत्ति करें ताकि अपना ऊंचा लक्ष्य की स्मृति और ऊंचे लक्ष्य की यात्रा बनी रहे। संसार के व्यवहार का इतना विस्तार ना करें शरीर की सुविधा के लिए कि आत्म सुख से वंचित रह जाए। अब हम दोपहर को इधर आके तुम्हारे बीच मंच पे बैठे थे, ऊपर उधर थोड़ी लाइन चली, फिर थोड़ी देर बैठे चुपचाप आत्मचिंतन में, तुम भी बैठे थे, फिर देखा कि यहाँ कुटिया में रहेंगे तो हल्ला गुल्ला होगा, तो फिर निवास की कुटिया पे चले गए। तो वहाँ कोई हमने कोई लौकिक प्रवृत्ति नहीं की, वही परमात्मा चिंतन, आत्म सुख, आत्मध्यान। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आप ईश्वर में आइए और दूसरों को ईश्वर में ले चलिए, बाकी का काम ठीक अपने आप होता है। बोले ऐसा करेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? अरे ये सच्ची कमाई करोगे तो कच्ची कमाई थोड़ी मेहनत से हो जाएगी।
जवानी में इतना काम कैसा ऐसा काम कर लेना चाहिए संयम से कि बुढ़ापे की कमजोरी और रोग जल्दी हावी ना हो। अब बुढ़ापे में इतना हाथ अपना खींच लेना चाहिए कि संसार की प्रवृत्ति में समय खप न जाए, ईश्वर में मग्न। सुमरण की सुधि यूं लहो, भगवत स्मृति ऐसी करो कि मन ईश्वर में लीन हो जाए, जीभ और होठ भी ना हिले। आरंभ में तो भले ही अपन करेंगे लेकिन बाद में ये अभ्यास करो। अपना लक्ष्य का बार बार स्पर्श होता रहे। घर में एक ऐसी जगह पूजा की साधना की बनाओ, आसन बिछा दो कि वहाँ जाते ही भगवत ध्यान की याद आ जाए, उस चित्र को फोटो को देखते ही अपने लक्ष्य की याद आ जाए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ। ये श्वासोश्वास का सुमरण है अथवा मानसिक सुमरण है। मन ईश्वर के सुख में आनंद में लीन होने लगे, फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर लीन हो जाए। धर्म राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए और श्री कृष्ण को दूर से प्रणाम करके कहने लगे कि वासुदेव, आपकी कृपा से हम युद्ध में विजेता हुए, पलायनवादिता से बचे, हम पाप से भी बचे। हे केशव, आपने हमारी पद पद पे सहायता की, हम आपके खूब आभारी हैं। माधव, आप अमानी रहकर हमें मान देते, हम आते तो आप उठ खड़े हो जाते, हमको राजाधिराज मानकर आप हमारे पीछे चलते। कभी भीम का भी आप सम्मान करते, आपकी करुणा वरुणा से हम कैसे उरुण होंगे। आप साक्षात प्राणी मात्र के अंतःकरण के अधिष्ठान आधार चैतन्य हो, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण। लेकिन श्री कृष्ण के तरफ से कोई चेष्टा नहीं हुई, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, न सिर हिला रहे हैं, न बरदस्त का आशीर्वाद दे रहे हैं, न देख रहे हैं। माधव, आप एकदम शांत बैठे हैं, मानो आपकी मूर्ति चित्र लिखित अथवा कोई मंदिर की मूर्ति की ना ही बैठे हैं। आप मेरी प्रार्थना
और मेरे भावों को तो सुन रहे ने माधव, फिर भी श्री कृष्ण निचेष्ट थे। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने धीरे से आंख खोली। युधिष्ठिर कहने लगे कि आपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को परात पर किस में लगाया देव? योगेश्वर तो बुद्धि को आप में लगाते हैं, आप अपनी बुद्धि को कहां ले गए थे? माधव, अगर मैं सुनने का अधिकारी हूं और ये बात मेरे सुनने योग्य हो और आप कृपा कर सकते हो तो मुझे बताइए कि मैं बहुत देर से आपकी करुणा वरुणा की कृपा की स्मृति करके आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, उर्ण कैसे हूं, लेकिन आपने कोई शब्द सुना नहीं होगा ऐसा लगता है। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने, चोट मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। तो योगियों का मन तो ईश्वर में लीन होता और आप साक्षात नारायण हैं, आपका मन कहां लीन था प्रभु? अगर मैं दृष्टता कर तो क्षमा कर। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा अनुमान ठीक है, मेरा मन कहीं लीन था। वो अष्ट वसुओं में का एक वसु युधिष्ठिर, तुम्हें पता है भीष्म सरसया पर पड़े और उन्होंने मुझ में अपना मन लीन किया है, खरे निशाने चोट की, तो मैं उनमें अपना मन लीन करके एकाकार हो रहे। जो भगवान को, भगवान का ध्यान ऐसे करता तो भगवान भी उसके स्वरूप में एकाकार हो जाते। फिर भगवान और भक्त की आकृति दो दिखती है, लेकिन एक अखंड सत्ता में आकृति का महत्व नहीं होता। दो दियों की आकृति है, लेकिन हाल में दो दिए जला दो तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश? दो सरोवरों की पाड़ तोड़ दो तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी अलग कर सकते क्या? ऐसे ही जीव का जीवत्व और ईश्वर का ईश्वरत्व ये माया और अविद्या में है। वास्तव में जीवात्मा का जो चैतन्य है वो परमात्मा का, और परमात्मा का जो चैतन्य है जीवात्मा का। कितना ऊंचाई का धनी है और कितना इस शरीर की सुख सुविधा और वस्तुओं के पीछे खपाए जा रहा है अपने को। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। चलो अपन चलते श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में। ये संवाद मैं आपको सुनाऊंगा, उसके पहले ये भीष्म पितामह का जीवन, पूर्व जीवन सुन लेना। अष्ट वसु धरती पर विचरण करने आए थे। वशिष्ठ का आश्रम और ऋषियों का आश्रम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लोक ब्रह्म वर्चस्वमानो
बड़ी शांति संयम एकाग्रता से अपने अपने कोई यज्ञ में, कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई अपनी अपनी गौ सेवा, कोई कुछ में, कोई किसी में, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, जप योग, ध्यान योग, विचार योग में ऋषि अलग अलग अपने सब एक ही जगह सबका मन नहीं लगता, एक ही साधन सबको नहीं, एक ही प्रकार का भोजन सब लोग नहीं करते। धरती पर सब गेहूं की रोटी भी अलग अलग ढंग से बना के खाते, चावल भी अलग अलग ढंग से बना, तो मानसिक वैविध्य से अलग अलग साधना की विविधता से ऋषि कुमार, उनके शिष्य और ऋषि ऋषि पत्नियां ये सब लगे थे। वशिष्ठ जी के आश्रम को देखते अष्ट वसुओं में से प्रभास वसु की पत्नी ने जब कामधेनु नंदिनी को देखा तो दंग रह गई। नंदिनी की शोभा और लचकीले वो गले के आगे और उसकी आंखें सिंह, स्वर्ग की साक्षात कामधेनु। प्रभावसु की पत्नी ने पति को कहा कि नाथ कुछ भी करिए, इस गाय ने मेरा मन हर लिया है, ऋषि आश्रम में नहीं है, ये गाय अपन चुरा चले। प्रभावसु ने कहा देवी कामधेनु का दुग्ध अमरत्वाक्त के लिए है, वो हमें देवताओं को सहज सुलभ है, हमारे काम की चीज नहीं है और फिर अपने अधिकार की भी नहीं है, और बिना अधिकार की चीज चुराना लेना तो कर्म का विधान है, हमको दंड भोगना पड़ेगा। बोले नाथ कुछ भी करिए, मैं बस इसके बिना नहीं रह सकती और मैं अपने लिए नहीं लेती, मेरी सखी भूमंडल पे रहती है, उसके पास कोई गाय नहीं है और वो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जैसे श्री राम को सीता जी ने मृग के पीछे प्रार्थना करके दौड़ा दिया, ऐसे ही प्रभावसु अष्ट वसुओं में से प्रभावसु न चाहते हुए भी कर्म बंधन में क्यों पड़ना, कर्म का फल भुगतना पड़ता है, अभी तो कर लेते हैं, कहेंगे जब उसका फल भुगतना पड़ेगा तो उसकी पीड़ा से कोई छूट नहीं सकता, इसलिए कर्म करने में सावधान होना चाहिए देवी, लेकिन नाथ इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नाथ आ गए नाथिनी के हाथ, रोगा चुरा कर ले गए। जब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी आए तो देखा कामधेनु गाय कहाँ गई, पूछताछ करते पता चला कि अष्ट वसु आए थे और उसमें का एक वसु की पत्नी गाय के प्रति खूब स्नेह जताती थी, विशेष हमें कुछ पता नहीं, वशिष्ठ महाराज त्रिकाल ज्ञानी थे, वही खरे निशाने चोट इंद्रियों को, मन में, मन को, बुद्धि में, बुद्धि को, साक्षी ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, मैं उसकी शरण जा रहा हूँ, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके आगे भूत भविष्य वर्तमान सदा प्रत्यक्ष है, मैं उस परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। उनका तो अभ्यास था, जान लिया कि वो अष्ट वसु आए थे, वही गाय चुरा लिए। ब्रह्म सुख में निमग्न रहने वाले ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्मनिष्ठ, ज्ञान निष्ठ, संयम निष्ठ, सदाचार निष्ठ वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, अष्ट वसु स्वर्ग से च्युत हो, धरती पर आ गिरो, मानव शरीर में जन्म लो और कर्म का फल भोगो। अष्ट वसु धरती पे तो आए,
गंगा जी को रिझाकर संतनों को गंगा को रिझाकर उनके घर जन्म लिया। सात वर्ष होने की तो प्रार्थना गुरु की प्रार्थना से वशिष्ठ जी राजी हुए। सात वर्ष होने तो जन्म लेते ही पृथ्वी को त्याग कर दिया, मरते गए। लेकिन आठवें वसु प्रभास वसु जिसने गाय चुराई वही भीष्म पितामह बने। उनको खूब कष्ट भोगना पड़ा। ऋषि के आश्रम में की हुई चोरी का बहुत सारा कष्ट भोगने के लिए उनका तन रहा। लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में बहुत सारे गुणों के खजाने थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के पास चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अष्ट वसुओं का वह वसु प्रभास वसु गंगा पुत्र जो वेद वेदांत के जानकार देवव्रत कर्म के उपासना के राज विद्या के स्त्री का कर्तव्य पुरुष का कर्तव्य राजा का कर्तव्य और कर्तव्य करते करते निष्कर्तव्य नैष्कर्म्य सिद्धि तक की यात्रा को जो भली भांति जानते वे मेरा ध्यान कर रहे थे। और उत्तरायण के लिए बाट देख रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है पिता की सेवा के फल स्वरूप। उनके दर्शनार्थ बहुत लोग जा रहे, तपस्वी जति जोगी। लेकिन वे इंद्रियों को मन में मन को बुद्धि में बुद्धि को मुझ में लीन करके लगे। मैं उनके ध्यान में था। युधिष्ठिर तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। तुम्हें जो शंकाएं हों कर्म के विषय ज्ञान के विषय योग के विषय धर्म के विषय उपासना के विषय कर्म के विषय सब का समाधान करने वाले वे पुरुष हैं। अगर वे चले गए तो धरती पर से आचरण संयुक्त ज्ञान ज्ञान संयुक्त आचरण चला गया। तुम्हें उनसे ज्ञान लाभ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने साकेती को कहा रथ तैयार करने को और साकेती ने रथ वाले को आज्ञा दी। श्री कृष्ण का रथ तैयार हुआ। युधिष्ठिर महाराज का रथ तैयार हुआ। जैसे यक्षों के बीच कुबेर शोभा पाते हैं ऐसे ही युधिष्ठिर पांडवों के बीच शोभायमान होकर श्री कृष्ण के साथ भीष्म के तरफ जा रहे। देश काल और व्यवहार को ठीक जानने वाले युधिष्ठिर के चारों ओर भीष्म के चारों ओर लोग आ रहे थे। उनको यथा योग्य वाणी के द्वारा संबोधित कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन ने भीम ने प्रणाम किए। काल की गति जानी नहीं जाती। कृष्ण जिसके रक्षक है
युधिष्ठिर धर्मात्मा जिनका पुत्र है, गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिनका बेटा है, ऐसी कुंता महारानी को भी काल चक्र ने दुखों से खूब खूब माया। युधिष्ठिर तुमने भी दुख देखे, मेरी गोद में खेले हुए थे, तुम दुख के योग्य नहीं, फिर भी इस भगवान की लीला नहीं जानी जाती। कौन किस कर्म से, कौन किस नियति से, कौन किस निमित्त से मिलता है और सुख दुख भोग कर अपनी यात्रा सपने की नाई पूरी कर लेता है। श्री कृष्ण आपको प्रणाम है, आप तो मेरे पलकों में ही आबिराज हो, आपको कहाँ बिठाऊं। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर आपसे ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किए और भीष्म ने उत्तर दिए और बड़े सार व गर्भित उत्तर हैं। भीष्म पर्व महाभारत में विस्तार से जब समय हुआ, जिस समय की बाट अपने जो देखेंगे कल, उत्तरायण षडमासा उत्तरायण पंजाब में एक दिन पहले से ही मनाते हैं लोहरी के नाम से, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से। उत्तरायण के निमित्त लोग तीर्थोदक में स्नान करते हैं, गंगा, गया, प्रयागराज, कई तो गंगा सागर भी जाते। प्राकृतिक लीला है ये। 14 जनवरी के आसपास के 8 दिन गंगा सागर का एक टापू बाहर आता है, लाखों लोग वहाँ जाते स्नान आदि करते। इन दिनों किया हुआ जप तप दान पुण्य 100 गुना फल देता है। उत्तरायण के दिन सुबह आप नींद में से उठें तो भावना करें, रात्रि को जैसी भूमिका बना के सोएंगे सुबह ऐसी ही भूमिका बन जाएगी। आज रात को सोते समय, 13 जनवरी है, कल सुबह 14 जनवरी होगी, मेरा जीवन विषय विकारों के लिए और अहंकार सजाने के लिए नहीं, मेरा जीवन जीवनदाता को पाने के लिए है। ओम ओम ओम। मैं हीन विचार हीन वासनाओं का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। ओम ओम ओम। बलप्रद विचार करोगे, आरोग्यप्रद विचार करोगे, उत्साहप्रद विचार करोगे तो आपके रक्त वाहिनियों में वैसा ही होगा। भगवान चैतन्य है और मेरे आत्मा होकर विराजमान है, वे सत्य हैं, मैं उनका सपूत भी सत्य हूँ, शरीर मिथ्या है। वे चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, वे ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आनंद आनंद। इस प्रकार का चिंतन आज रात्रि को करके सोना है।